नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बहुजन मीडिया की। बहुजन मीडिया जो डिजिटल का रूप ले चुकी है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे अखबार न्यूज़पेपर ऐसे हैं जो चलते चलते समय की रफ्तार से धीमे पड़ गए और वो बंद भी हो गए, बंद की कगार पे भी पहुंच गए। ऐसे बहुत सारे अखबार हैं। मैं आज आपको एक ऐसी अखबार को बताने जा रहा हूँ जिसने अपना पूरा 18 साल बिताते हुए 2019 के अंदर उन्होंने 19वां साल बना रहे हैं वो, और उस पेपर का नाम है सांझा मकसद। सांझा मकसद अखबार को चलाते हैं ओपी महायान जी, और जिन्होंने बाबा साहब को बहुत अच्छे से पढ़ा और उनको उनकी विचारधाराओं को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि बाबा साहब का था कि कहीं ना कहीं मीडिया हमें नहीं दिखाती है, जिसे बोलते हैं मनुवादी मीडिया, वो हमारे समाज की, बहुजन समाज की बातों को आगे नहीं दिखाते हैं। तो ओपी महायान जी ने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा कार्य करूं जिससे सारे देश में बहुजन समाज की आवाज़ पहुंचे, और उन्होंने सांझा मकसद नाम से अखबार को चालू किया। सांझा मकसद, मैं आपको दिखा दूं कि ये अखबार है सांझा मकसद। ओपी महायान जी को अपना न्यूज़पेपर चलाने के लिए उनको आर्थिक मदद की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। उन्होंने अपने घर से पैसे मांगे, पर घर के हालात बहुत ज़्यादा सही ना होने की वजह से उनको आर्थिक मदद नहीं मिल पाई, और उन्होंने अपने परिवार के अंदर से 10 से 20 हज़ार रुपये एकजुट करे और उससे पेपर बनाने का सोचा, जबकि ये एक बहुत कठिन प्रयास था जो उन्होंने सोचा था। और इस सांझा मकसद को बनाने के लिए उन्होंने जब इसका कार्य शुरू करा तो जगह जगह पे कॉस्टिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी, क्योंकि पहले प्रिंटिंग प्रेस चला करती थी, उसके बाद ऑफसेट आ गई। प्रिंटिंग प्रेस में जब वो लेके गए तो उसकी कंपोजिंग बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती थी, कंप्यूटर्स वाले बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते थे। उन्होंने अपने यार दोस्तों के साथ इस बात को शेयर करा कि जो कंप्यूटर जानते थे, टाइपिंग जानते थे, उन्होंने मिलके कहा कि हम लोग मिलके काम करेंगे। इस याराना में उनके साथ चार दोस्त आए और चारों ने मिलके ये पेपर को बनाने का सोचा, जबकि फाइनेंसली ओपी महायान जी ने ही लगाया था इस कार्य के अंदर। जब इसको प्रकाशन करने के लिए सोचा था उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। यार दोस्तों ने टेक्निकली सपोर्ट देने के लिए कहा था, ना कि फाइनेंसली सपोर्ट देने के लिए कहा था। उनसे उनका मन टूटा नहीं, बाबा साहब की बातों को पढ़ते गए और तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में लगे रहे, और उनकी ये सब कार्य भी शुरू हो गया। और उन्होंने सब्सक्राइबर जोड़ने के नाम पे जब उन्होंने लोगों से पैसा मांगना शुरू करा तो लोग उनसे नहीं जुड़े, क्योंकि जब हाथ में कोई चीज़ नहीं था। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं करता हूँ, और उन्होंने ये कार्य कर दिया। उन्होंने पहला पखवाड़ा उनका निकला तो उन्होंने 10,000 कॉपीज़ निकाली, और इन कॉपीज़ को बनाने के लिए उनकी बहुत कड़ी मेहनत लगी इस कार्य के अंदर। कहते हैं किसी भी सफल कार्य के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो वो महिला थी उनकी धर्मपत्नी रानी महायान जी। जहाँ पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कोई भी कार्यक्रम होते थे या कोई भी प्रोग्राम्स होते थे तो उन प्रोग्राम्स में जाके अपने स्टॉल्स को लगाया करते थे और वहाँ पे लोगों को जोड़ा करते थे, लेकिन लोग जुड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और इसकी सब्सक्रिप्शन उन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं रखी थी, बहुत ही कम थी, इसकी सब्सक्रिप्शन 1 रुपये रख दी। 1 रुपये कॉस्टिंग से 52 अखबार 52 रुपये के होते हैं, और उन्होंने कोरियर का खर्चा लगभग 4 रुपये के आसपास आता है। कॉस्टिंग 100 रुपये रखने के बाद उन्होंने लोगों को जोड़ना शुरू करा, लेकिन लोग नहीं जुड़ रहे थे। पता नहीं, समझ नहीं आता कि बहुजन समाज के लोग क्यों नहीं जुड़ रहे थे। जो सरकारी नौकरी पे भी थे उनको भी 100 रुपये देते हुए बहुत परेशानियाँ होती थी कि उस पर आपको चाय पिलाएंगे, आपको बैठाएंगे, आपको खिलाएंगे, लेकिन 100 रुपये नहीं देंगे। अगर कोई बहुजन समाज की बात को बढ़ा रहा है, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, आर्थिक अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के वो काम कर रहा होता है, इसलिए उसे आर्थिक सहयोग की भी बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है। बहुजन मूल निवासियों का सबका अपना एक मकसद है, उन्हीं मूल निवासियों को लेकर उन्होंने इसका नाम रखा सांझा मकसद। और सांझा मकसद जब निकला और इसने कार्य करना शुरू करा तो एडवर्टाइजमेंट इनको नहीं मिल रहे थे। जो इन्होंने सोचा था कि हमारी आर्थिक जो परेशानी है वो 1-2 महीने में सॉल्व हो जाएगी, लेकिन आर्थिक चीज़ें और ख़राब होती चली गई। और इस न्यूज़पेपर ने अपनी हिम्मत को नहीं तोड़ा ओपी महायान जी ने, और इस पर निरंतर कार्य करते रहे, और इस तरीके से बहुत सारी परेशानियाँ आई जिसको उन्होंने कभी हार नहीं मानी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने इस कार्य को सार्थक बनाते रहे, निरंतर इस पर कार्य करते रहे, और धीरे धीरे इनको 1-2 लोग ऐसे मिले जिन्होंने अपना एडवर्टाइजमेंट देना इनको शुरू करा, जिससे इनकी आर्थिक तंगी थोड़ी सी सही हुई। लेकिन तंगियां अभी भी कम नहीं हुई थी, क्योंकि खर्चा ज़्यादा था
और सोर्स ऑफ अर्निंग कम था, अपने घर की जरूरतें थी, बच्चे भी बड़े होते जा रहे थे, उनकी पढ़ाई के ऊपर भी बहुत सारा ध्यान देना था, लेकिन अखबार भी धीरे 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 अपनी स्पीड से निरंतर चल रहा था, लेकिन कॉस्टिंग कम नहीं हो रही थी। इन्होंने जगह जगह जाकर लोगों को एडवर्टाइजमेंट्स मांगने शुरू करे, पर किसी भी सरकार से इनको कोई भी योगदान नहीं मिला, प्राइवेट एडवर्टाइजर भी इनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि यह जो अखबार था वो बहुजन मीडिया का अखबार था, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी को ज़्यादा दिखाता था और उसमें मनुवादियों की बात बिल्कुल भी नहीं और ना के बराबर हुआ करती थी। तो कोई भी मनुवादी, क्योंकि जितना भी व्यापार और जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी कैप्चर मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने करी हुई हैं, तो इनको अखबार बहुत, अखबार के ऊपर पैसा मिलना बहुत रेयर था, लेकिन कॉस्टिंग्स अपने आप चलती चली जा रही थी। आइए हम लोग देखते हैं इसकी जो अखबार है वो रूपरेखा देखते हैं और ये क्या अखबार है इसके ऊपर देखते हैं। साझा मकसद से जुड़ने के लिए आपने करना सिर्फ इतना सा है, गूगल्स पे जाके आपने साझा मकसद.com डालना है और यहाँ पे आप देखेंगे साझा मकसद की वेबसाइट है। आप देख रहे हैं 2019 की ये वेबसाइट है और इन्होंने बहुत अच्छे से डिजिटल इंडिया को और डिजिटल चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से बताया है इन्होंने सारा का सारा। और स्कूली छात्रों को सीखने को मिलेगा सेल्फ डिफेंस के गुण, मुख्यमंत्री केजरीवाल के ऊपर भी इन्होंने न्यूज़ बनाई है और तीन तलाक की, मतलब सभी खबरें इसके अंदर होती हैं, बहुत सारी चीज़ें बहुत अंदर हैं इसके अंदर। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 12 पेज हैं वो यहाँ पे 12 पेजेस यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 सारे ये पेजेस हैं। आप इनको 1 by 1 यहाँ पे स्क्रॉल पे क्लिक करके आप यहाँ से सभी अखबार की खबरों को पढ़ सकते हैं। बहुजन मीडिया की हम लोग बात करते हैं, ये बहुजन समाज का अखबार है। आप देखेंगे इसमें बड़ी खबर बहुजन समाज की होती है, ये उन महान प्रेरणा स्रोतों की तस्वीरें हैं जिनको इन्होंने दिखाई हैं और ये उनके बारे में बताना चाहते हैं। साहब काशीराम जी की तस्वीर है, तो बहुत सारी कवरेजेस होती हैं। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 2 पे चले गए और अंदर भी काफ़ी बड़ी कवरेज इन्होंने दी है। समाज की बात को बहुत अच्छे से बढ़ चढ़ कर दिखाते हैं और सभी कवरेज उनकी दिखाते हैं, चाहे वो मूर्तियां हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन समाज की बात को उसे छुपाते नहीं हैं, क्योंकि ये बहुजन समाज के क्रांतिकारी न्यूज़पेपरों में से एक न्यूज़पेपर है। हम जाएंगे पेज नंबर 3 के ऊपर देखेंगे, अंदर भी नहीं रुकेगा काशीराम का मिशन और ये बहुत बड़ी कवरेज इस तरीके से दिखाते हैं। बसपा के लिए वरदान साबित हुआ विरोधियों का विरोध, तो ये बिना किसी डर के, बिना किसी चीज़ों के ये बहुत अच्छे से दिखाते हैं। आज तक असली महाकुंभ, आप भी चाहते हैं कोई भी बहुजन समाज का कारवा रुके नहीं, तो आप इस न्यूज़पेपर साझा मकसद को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आप मूल्य देख रहे हैं, यहाँ पे 100 रुपये मात्र है, आप 100 रुपये सालाना देकर इसकी मेंबरशिप ले सकते हैं और यह न्यूज़पेपर आपके घर पहुँचेगा मात्र 100 रुपये के अंदर। और 100 रुपये में अगर बहुजन समाज का मीडिया मजबूत होता है या बहुजन समाज की बात आपके घर तक पहुँचती है तो मुझे लगता है कोई घाटे का सौदा नहीं है ये। और बहुजन मीडिया को मजबूत करने के लिए बहुजन समाज के पत्रकारों को आपने ही सहयोग करना पड़ेगा। आपने सभी पेज देखे और सभी पेज देखने के बाद आपने देखा कि यह अखबार निरंतर बहुत सारी खूबियों को लेकर चलता है और इस पे बहुत अच्छे से कार्य होता है। इसमें खेल जगत हो, राजनीति हो, या कोई नॉलेज हो, साइंस हो, सब चीजों का है। इसमें आपका 2 साल से बच्चे को लेके 100 साल तक के वृत्त तक का इसमें अखबार में ध्यान रखा गया है। सभी चीज़ों को ये जोड़ता है, नॉलेज चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ हमारा ये मतलब है कि बहुजन समाज का जो मीडिया है वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे हो जाता है, वो भी उन लोगों की वजह से जो बहुजन समाज के मीडिया को आर्थिक रूप से मदद नहीं करते हैं। तो आप बहुजन मीडिया को आर्थिक रूप से मदद करें और आप सक्षम भी हैं, आप कर सकते हैं। आज बहुजन समाज के लोग बहुत ज़्यादा पीछे नहीं हैं, मात्र 100 रुपये इसको सब्सक्राइब करने में लगता है और ये पूरा 1 साल का अखबार आपको, इसकी 52 कॉपीज आपको आपके घर पे पहुंचेंगी मात्र 100 रुपये में। क्या आप इस अखबार को रन कराने के लिए 100 रुपये की आर्थिक मदद भी नहीं कर सकते हैं? अगर हमारे देश में कहा जाता है 85% बहुजन समाज के लोग हैं, अगर 85% मात्र 100 रुपये निकाल के देते हैं तो ये संख्या करोड़ों में हो जाएगी और एक नहीं कई हजार मीडियाज
आपके अपने हो जाएंगे। तो ऐसे मीडियाओं को मजबूत करने के लिए आपको आर्थिक मदद बहुजन समाज के मीडियाओं को जरूर करनी चाहिए। ऐसे ही बहुत सारी खबरों को हम लोग लेते आएंगे। अगर आपको लगता है कि बहुजन समाज की आवाज को उठाने के लिए कोई ऐसी जगह है, कोई व्यक्ति विशेष है जिसकी आवाज हम लोग उठाएं एसएम न्यूज पे, तो हमारे दिए हुए नंबर्स के ऊपर आप हमें फोन कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम उस खबर को दिखा के कोशिश करेंगे कि बहुजन समाज के लोगों से जोड़ दिया जाए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय भीम, नमो बुद्धाय।